हेलो गाइस, मैं हूं सुफियान और आप देख रहे हो साइबर सुफ। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं IRCTC की वेबसाइट से कैसे कंफर्म टिकट को बुक करते हैं। सो सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहो। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड वीडियो को लाइक कर दिया। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को। फर्स्ट आपको वेबसाइट ओपन करके सबसे पहले आपको लॉगिन करनी है। सो मैंने इस तरह से लॉगिन कर लिया ऑलरेडी, आप भी इस तरह से लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आप बुक टिकट में आओगे, ठीक है। तो बुक टिकट में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी कि आप कहाँ से बुक करना चाहते हैं। फ्रॉम में वो सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने गोरखपुर सिलेक्ट कर लिया, मेरे को गोरखपुर से बुक करना है। और टू में आप जहाँ जाना चाहते हो उस डिस्टिनेशन एरिया सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मैंने सूरत सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं सिंपली डेट सेलेक्ट कर लूँगा जिस डेट में मुझे जाना है, ट्रेवल करना है सम। सो सेलेक्ट करके फिर आप सिंपली सर्च कर दोगे। यहाँ पे आपको क्लास और जनरल एट्सेट्रा सब ऑप्शन आएंगे, बस आपको इतना सेलेक्ट करके सर्च कर देना है। फिर आपके सामने ट्रेन की लिस्ट ओपन हो जाएंगी। तो मुझे अभी तक कहाँ, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो टीयर्स हम सफ़र में मेरे को यहाँ पे AC थर्ड टायर में मेरे को खाली मिला। सो मैंने इस तरह से बुक कर लिया। और फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, फिर यहाँ पे आप पैसेंजर डिटेल्स को फिल करोगे। यहाँ पे पैसेंजर का नेम होगा, सो मैंने इस तरह से नेम इनपुट कर दिया। यहाँ पे आप एज डालोगे और फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ से अगला पैसेंजर को भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे नहीं करना है तो सो मैंने इस तरह से टैब को कैंसिल कर दिया, क्लोज कर दिया। और यहाँ पे आप पैसेंजर के मोबाइल नंबर को इनपुट करेंगे, ठीक है। जो भी पैसेंजर का फ़ोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे। इस नंबर पे मैसेज चला जाएगा जब टिकट बुक होगा। तो सो इस तरह से मैंने इनपुट कर दिया मोबाइल नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन एड्रेस में। यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, जैसे मुझे सूरत जाना है तो मैं वहाँ जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर मैंने भी एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे पिन कोड आप डालोगे, पिन कोड में मैंने इस तरह से डाल दिया। सिर्फ पिन कोड डालते ही आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद फिर आप यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा बुक ओनली पे, आपको चेक कर देनी है। इस तरह से मैंने चेक कर दिया और फिर मैं नीचे आऊँगा और ट्रेवल इंश्योरेंस को मैं टिक कर दूँगा, मतलब यस कर दूँगा। और फिर नीचे बढ़ूँगा, पेमेंट मोड में आ जाऊँगा। पेमेंट मोड में आने के बाद मैं सेलेक्ट कर लिया भीम UPI। और यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहाँ पे आपको रिव्यू दिखाया जाएगा, अपने पैसेंजर के डिटेल्स होंगे और एड्रेस वगैरह। सो यहाँ पे आप सिर्फ इस पेज पे आप कैप्चा को इनपुट करोगे। तो सो मैं इस तरह से कैप्चा को डाल दे रहा हूँ, कैप्चा मैंने डाल दिया। ओके, कैप्चा रॉन्ग था, फिर मैं दूसरी बार ट्राई करूँगा। कैप्चर डाल के फिर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद फिर मुझे ये नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, मतलब पहुँचा देगा। अब मैं यहाँ से मल्टीपल पेमेंट सर्विस को यहाँ से मैं चूज कर लूँगा, या आपके पास जो मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लोगे। सो मैं फ़ोनपे से करना चाहता हूँ तो मल्टीपल को सिलेक्ट करके पे एंड बुक पर क्लिक करूँगा, ठीक है। सो अब ये नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, पेमेंट करने आए। सो अब यहाँ से आप अपने फ़ोन नंबर डाल सकते हो ऊपर में, या और मैं नीचे करके आप यहाँ से अपना UPI ID डाल सकते हो। तो सो मैं इस तरह से अपना UPI address डाल देता हूँ, ठीक है। डालने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका नाम शो होगा। सो मैंने इस तरह से वेरीफाई कर दिया और यहाँ से आप पे कर दूँगा। तो ये रिक्वेस्ट मेरा मोबाइल जहाँ पे मैंने फ़ोन पे इंस्टॉल कर रखा है वहाँ पे ये रिक्वेस्ट चला जाएगा। और सिंपली मैं अपने मोबाइल को ओपन करूँगा और वहाँ से पेमेंट को डन कर दूँगा। सो मैं अपना मोबाइल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, पे और डिक्लाइन। अगर डिक्लाइन कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सो मैंने एक्सेप्ट करके पे कर दिया और यहाँ पे आपको मैसेज हो रहा है सक्सेस। अब ये रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे आपको एक मैसेज होगा कंग्रेचुलेसन, ठीक है। अब आपका टिकट बुक हो चुका है सक्सेसफुली, सो आप देख सकते हो। तो गाइस आज की हमारी वीडियो बस यहीं पे समाप्त। सो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।